हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो काफ़ी तेज हो जाता है। हालांकि यह समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन यदि इसका इलाज काफ़ी समय तक न हो तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है, और साथ ही दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है और उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी समस्याओं को ठीक करने के साथ और भी कई सारी समस्याओं को ठीक करने वाली दवा टेलमा 40 के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके यूज करने के तरीके यानी इसके डोजेज क्या हैं, यह हमारे शरीर में कैसे काम करती है, ये कौन से कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टेलमा 40 टैबलेट के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टेलमिसर्टन 40 mg होता है। अब हम लोग इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस दवा का मेनली यूज हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। टेलमा 40 टेबलेट रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाता है, जिससे आपके शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से हो पाता है और ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाता है। और साथ ही इस दवा का यूज़ दिल के दौरे और स्ट्रोक के रोकथाम के लिए किया जाता है। हार्ट फेलियर में भी इस दवा को दिया जाता है, यानी हार्ट फेलियर का मतलब है कि आपका दिल कमज़ोर है, जिस वजह से आपके फेफड़े और आपके शरीर के बाकी हिस्सों में पर्याप्त ब्लड पंपिंग नहीं हो पा रही है। तो ये दवा हार्ट फेलियर के लिए एक असरदार दवा है, और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए किडनी के फंक्शन को सही रखने के लिए इस दवा का यूज फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, नॉर्मली टेलमा 40 के इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को ठीक करने के लिए भी इस दवा को प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हर एक टेबलेट के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ही इस टेबलेट के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। वो क्या क्या हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट हैं पीठ में दर्द होना, दस्त हो जाना, साइनस में इन्फेक्शन होना और श्वास नली में संक्रमण हो जाना। इतने सारे इसके साइड इफेक्ट हैं दोस्तों, रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं, होने से अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि टेलमा 40 टेबलेट हमारे शरीर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों, टेलमा 40 टेबलेट एक प्रकार का ARB होता है। ARB का मतलब है एंजियोटेंसिन रिस्पेक्टर ब्लॉकर। यह एक केमिकल के काम को रोककर रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जो आमतौर पर रक्त वाहिकाओं को सख्त बनाता है। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे रक्त शरीर के सभी अंगों में सुचारू रूप से सर्कुलेट होता है और हार्ट अधिक कुशलता से पंप करता है। अब हम लोग टेलमा 40 के यूज करने के तरीके यानी इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसका डोज डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और ये पेशेंट के हेल्थ के कंडीशन और वजन पर निर्भर करता है, लेकिन जनरली इसे भोजन या नाश्ता करने के बाद दिन भर में एक बार एक गोली नॉर्मल वाटर के साथ लेना होता है, लेकिन इसे सुबह के समय लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ये लंबे समय तक चलने वाली दवा है, इसे कुछ दिनों के यूज करने के बाद छोड़ने की गलती नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन फिर भी आपको यह दवा लेना बंद करना है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लेना चाहिए। महिला अपने गर्भावस्था में इस दवा का यूज करने से पहले अपने गायनो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, अपने जीवन शैली को चेंज करने से भी ब्लड के प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी, जैसे नियमित व्यायाम करें और अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करना बंद कर दें, शराब का सेवन कम कर दें और अपने खाने में नमक की मात्रा का यूज बहुत ही कम करें। अगर दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब हम लोग टेलमा 40 टैबलेट के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका प्राइस 110 रुपये 38 पैसा पर 15 टैबलेट है, यानी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आते हैं। यह आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट के साथ भी मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।